नमस्कार, आज हम बात करेंगे कि रसोई के कचरे से खाद कैसे बनाएं। चेतनालय नॉर्थ जोन में रसोई के कचरे से खाद बनाने का अभियान शुरू किया गया है, जिसमें जहांगीरपुरी में 5-5 महिलाओं के 6 ग्रुप, मुकुंदपुर में 5 एनसीपी के बच्चों के ग्रुप और भलसवा में एसएचजी की कुछ महिलाओं द्वारा खाद बनाने का काम शुरू किया गया है। रसोई के कचरे से खाद बनाने का क्या फ़ायदा है? यह हमारा कर्तव्य है कि हम पर्यावरण को स्वयं के बल पर सुरक्षित और स्वच्छ रखें, इसलिए हमें समय समय पर पर्यावरण को बचाने के लिए उपाय करते रहने चाहिए। खाद बनाना या कंपोस्टिंग क्या है? कंपोस्टिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऑर्गेनिक या कार्बनिक पदार्थ या खाद्य कूड़े को पानी वायु की मदद से सूक्ष्म जीव खाद के रूप में बदल देते हैं। यह खाद घर या खेतों में उगने वाले पौधों के लिए अच्छा होता है और क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का रासायनिक पदार्थ नहीं होता तो यह हमारी मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होता है। खाद बनाने के लिए 4 चीज़ों का होना बहुत आवश्यक है, जैसे सूखी पत्तियाँ, मिट्टी, कागज की मदद से जिसमें हमें खाद बनाने के लिए कार्बन मिलता है। दूसरा, बचे कुचे फल और सब्जियों का कचरा जिससे खाद बनाने के लिए नाइट्रोजन मिलता है। तीसरा, वायुमंडल जिससे हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है। चौथा है पानी की सही मात्रा जिसमें लस्सी, खट्टी दही या फिर गौमूत्र का इस्तेमाल भी किया जा सकता है ताकि ये सभी इकट्ठी की गई चीज़ों को सड़ाने के काम आ सके जिससे कि खाद बनती है। जिन लोगों को खाद बनाने की ट्रेनिंग दी गई थी और जो लोग खाद बनाने की प्रक्रिया में हम लोगों से जुड़े हैं, उन लोगों ने रसोई घर के गीले कचरे जैसे बची कुची सब्जियाँ, बचा हुआ खाना आदि कचरे को एक अलग कूड़ेदान में इकट्ठा किया। इसके बाद एक बड़ा मिट्टी का मटका या फिर बाल्टी लेकर उसके चारों ओर 3 से 4 छेद किए ताकि उसमें रखे जाने वाले कूड़े को हवा लग सके। अब उस बर्तन में सबसे पहले लकड़ी के बुरादे की परत, उसके बाद हरी पत्तियाँ, फिर सूखी पत्तियाँ, फिर हरी घास, उसके बाद फल व सब्जियों के छिलके जो कि महिलाओं ने इकट्ठे किए थे, फिर सूखी पत्तियाँ और आखिर में दही, लस्सी या फिर गौमूत्र भी डाल सकते हैं। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद उस बर्तन को ढक दिया जाता है ताकि उस बर्तन के अंदर नमी या गीलापन बना रहे। उसके बाद कुछ दिनों में उसका फॉलोअप करते रहते हैं। अगर उस बर्तन के अंदर में रखा हुआ मिश्रण ज़्यादा सूखा हुआ लगता है तो उस पर हाथों से हल्का हल्का पानी डालकर छिड़काव करते हैं ताकि उसमें पानी की नमी बनी रहे और उसे दोबारा से ढक दिया जाता है। इस खाद को बनाने में 2 से 3 महीने का टाइम लगता है। इन दिनों में खाद बनना अपने आप शुरू हो जाता है जो कि बाद में दिखने में गाढ़ा भूरे रंग का और काला होता है। इसे हम काला सोना भी कहते हैं क्योंकि ये मिट्टी के लिए और हमारे पौधों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। इन सब तरीकों से हम रसोई के कचरे से अच्छी खाद बना सकते हैं। आशा करते हैं कि हमारे द्वारा किया गया ये एक छोटा सा प्रयास आगे जाकर हर घर में अपनाया जाएगा, जिससे हमारी पृथ्वी को स्वच्छ और हरा भरा बनाने में हम कुछ हद तक कामयाब हो जाएंगे। हमारी एनसीपी का नाम है इच्छा एनसीपी और आज हम किचन के बेस्ट चीज़ों से खाद बनाना सीखेंगे कि कैसे सीखते हैं और कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले लेंगे लकड़ी का बुरादा और दूसरे नंबर पर हरी पत्तियाँ और तीसरे पर सूखी पत्तियाँ और चौथे पे मौसमी के कुछ छिलके और किचन के बेस्ट सामान आलू के छिलके, तोरी के छिलके, गोभी के छिलके और फ्रूट में केले के छिलके और मौसमी के छिलके और संतरे के छिलके। और ये सब चीज़ें डालने के बाद फिर हम लोग इसमें लास्ट में दही या कोई भी खट्टी चीज़ डाल के इसको सील पैक कर देंगे। उसके बाद इसको 2 महीने के लिए ऊपर छत पे ढक के रख देंगे ताकि ये अच्छे से ये इसका खाद बन पाए। 1 महीने बोल भाई।